नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:42 तक रहेगी। आज देर रात 2:41 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 2:55 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। आज रात 8:46 पर बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष का गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 जुलाई की देर रात 1:49 से अगली सुबह 5:22 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 जुलाई की सुबह 5:23 से रात 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:35 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:05 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:21 से दोपहर 2:41 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 25 जुलाई की सुबह 7:24 से सुबह 10:45 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 जुलाई की सुबह 5:37 से दोपहर 12:13 तक और एक बार फिर दोपहर 2:33 से रात 8:38 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जुलाई की सुबह 6:07 से दोपहर 12:43 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:03 से रात 9:08 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:09 से सुबह 5:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 जुलाई की शाम 5:06 से रात 8:38 तक और एक बार फिर रात 10:05 से रात 12:14 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:35 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:05 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:21 से दोपहर 2:41 तक रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:06 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:44 से दोपहर 12:28 तक। लखनऊ सुबह 10:30 से दोपहर 12:12 तक। भोपाल सुबह 10:45 से दोपहर 12:26 तक। कोलकाता सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:42 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:05 से दोपहर 12:45 तक।
और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:39 से दोपहर 12:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व यानी कि ईस्ट। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको कोई अच्छी खबर मिलने के योग हैं। ये खुशी आपके संतान के करियर को लेकर हो सकती है। आज ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है जिसे पूरा करके आपको खुशी होगी। आज की शाम परिवार वालों के साथ बिताएंगे जिससे पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा। आज आप माता पिता के साथ किसी समारोह में जा सकते हैं। आज शिक्षा से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। आज किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। इस राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरक्की के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और साथ ही आपको धन कमाने का नया जरिया भी मिल सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप अपने परिवार वालों को किसी बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी देंगे। लवमेट के लिए बेहतरीन समय है। रिश्ते में मजबूती आएगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस दौरान आप फिजूल खर्च से बचेंगे, कुछ सेविंग भी करेंगे जो आगे चलकर आपके काम आएगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। स्पोर्ट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा न करें। इस राशि के छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहयोगियों से सहयोग मिलेगा, सहपाठियों से सहयोग मिलेगा। आज पड़ोसी आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। इससे पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आपको व्यापार में उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होगा। आज आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज आपके घर पर मेहमान आ सकते हैं, आपको खुशी होगी। आज आपका जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। बच्चे आज आपसे मन की बात कर सकते हैं। अपने विचारों को लेकर आप थोड़े जज्बाती भी हो सकते हैं। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज जॉब मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कोई अनजाना डर जो मन में चल रहा था वो आज अपने दोस्त से शेयर करने से दूर हो सकता है। आज आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके लिए आमदनी के नए द्वार खुलने की संभावना है। छात्रों को शिक्षा में आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। आज आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से पर नियंत्रण करके मामले को बखूबी संभाल लेंगे। इस राशि के जो लोग ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं उनको आज ज़्यादा लाभ के योग हैं। आज किसी काम में बड़ों की सलाह मिलेगी जिसका आपको लाभ मिलेगा। इस राशि के जिन लोगों का आज बर्थडे है वो अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज व्यवहार में विनम्रता और लचीलापन ही आपको सफलता दिला सकता है। आज जमीन जायदाद से जुड़े काम निपट जाएंगे। साझेदार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे।
आज रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। आज आप घर के जरूरत की चीजों का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे। कोई भरोसेमंद और खास व्यक्ति आज आपको कोई अच्छी सलाह देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोचेंगे और इसके लिए आपको ज्यादा हिम्मत और धैर्य की जरूरत होगी। आज आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा होगा, लेकिन शाम को अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस के उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने से बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पलों से भरा रहेगा। आज परिवार से खुशखबरी मिलेगी। ईश्वर की कृपा से आज आपके सभी काम सफल होंगे। आज आपको अपने काम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी बुजुर्ग महिला की सेवा का अवसर मिलेगा, इसे आप सौभाग्य के रूप में समझिए। हर तरह के काम निपटाने के लिए आज आपको तैयार रहना है। आपको सोचे हुए कामों से फायदा हो सकता है, कोशिश करें, सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शांत रहेगा। आज आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी, जिससे आप जीवन की नई सीख लेंगे। आपकी कड़ी मेहनत से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में उलझे रहेंगे। रोज की अपेक्षा आज व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, उनको जल्द ही अच्छा कॉलेज मिलने का योग है। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। समय का पूरा सदुपयोग करें। आज दूसरों को जितना ज्यादा महत्व देंगे, आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। आज आप अपने घर को नए तरीके से सजाएंगे। माइग्रेन की समस्या से आज आपको काफी राहत मिलेगी। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, जहां आपकी किसी मित्र से मुलाकात होगी। पैतृक संपत्ति से धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। मूलांक 2, आज पूरा दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आप किसी काम को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करेंगे। मूलांक 3, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे, जिससे आपके कार्य समय रहते पूरे होंगे। मूलांक 4, अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश करें, जिससे सभी लोग आपसे खुश रहें। मूलांक 5, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे, मन में खुशी रहेगी। मूलांक 6, आज आप वाहन खरीदने संबंधी विचार घर वालों के साथ साझा करेंगे। मूलांक 7, आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपकी मेहनत जल्द ही रंग लाएगी। मूलांक 8, ऑफिस में आज आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, जिससे आपको थकान महसूस होगी। मूलांक 9, आज आप किसी से किया वादा पूरा करेंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। शयन कक्ष में हाथी की मूर्ति रखने से पति पत्नी के बीच प्यार तथा सम्मान बढ़ता है। शयन कक्ष के अलावा तिजोरी के दरवाजे पर सूंड उठाए हुए दो हाथी के बीच लक्ष्मी माँ की बैठी हुई तस्वीर लगानी चाहिए, और उस तिजोरी वाले कमरे में क्रीम या ऑफ व्हाइट कलर कराना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा आर्थिक संकटों से बचने के लिए हाथी के पांव के नीचे की मिट्टी को कुएं में डालना श्रेयस्कर है। लेकिन अगर आप अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, तो उस मिट्टी को घी और पानी से सानकर 6 गोलियां बना लें और उनमें सिंदूर लगाकर एक डिब्बी में रखकर अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में छुपा कर रख दें।
वहीं अगर आप अपने दुश्मनों पर विजय पाना चाहते हैं तो बिना लड़ाई झगड़े के सब सुलझाना चाहते हैं तो आपको हाथी के महाबत को अंकुश दान करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में ये थी चर्चा पति पत्नी के कमरे में हाथी का जोड़ा रखने के बारे में। उम्मीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:42 तक रहेगी। आज देर रात 2:41 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज देर रात 2:55 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्रयोग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और सप्ताह के 7 दिनों में से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम पर उस प्रदोष का नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है, मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है, वैसे ही आज शुक्रवार को पड़ने वाले इस प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। लिहाजा आज शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्यास्त के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। आज के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। फिर संध्या में यानी प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत रखता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। साथ ही उसे अनेकों सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। पुराणों के हवाले से बताया गया है कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उसके दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आती हैं। तो ये थी चर्चा प्रदोष व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं बुध के सिंह राशि में प्रवेश की। आज रात 8:46 पर बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त की सुबह 6:38 तक सिंह राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यहाँ कन्फ्यूज ना होइए। बता दूं कि इस बीच 5 अगस्त की सुबह 10:26 पर बुध सिंह राशि में ही वक्री होंगे यानी उल्टी गत से गोचर करने लगेंगे और उल्टी गत से चलते हुए 22 अगस्त की सुबह 6:38 पर फिर कर्क राशि में वापस चले जाएंगे क्योंकि उल्टे चल रहे हैं ना। बुध ग्रह को वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनकी दिशा उत्तर है तो वहीं इनका तत्व पृथ्वी है। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम भाव के दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है।
बुध के सिंह राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, बुध उनकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पांचवें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के पांचवें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुध, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप बड़े खुश रहेंगे, लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको किसी पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति और अच्छी रहेगी। लिहाजा 22 अगस्त तक हर तरह की अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। वृष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके चौथे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे, लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके तीसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, साथ ही इस दौरान आप दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कर्क राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी, आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी वाणी से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। इस दौरान आप कलम को अपनी ताकत बनाएंगे, लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके पहले यानी लग्न स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के बल पर हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही जीवन में भरपूर यश और सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी, आपको करियर में लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी संतान को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए, साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शय्या सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बिल्कुल भी न बोले। इस बीच आपको किसी पर संदेह करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाने की जरूरत है। अगर आप इस दौरान कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे कि हरे रंग का वाहन बिल्कुल न ले। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए श्री गणेश भगवान की पूजा करें और इस दौरान किसी से किए वायदों को जरूर पूरा करें। तुला राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए, साथ ही व्यर्थ की चीजों पर पैसे खर्च करने से और बिना वजह अपना समय बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मां दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाइए। वृश्चिक राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है।
बुध के इस गोचर से आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने काम से और कार्यस्थल से बहुत लगाव होगा। आप सबके चहेते भी होंगे। आपको अपने कामों में दूसरों से हर समय मदद मिलेगी। आपके पास हर तरह के सुख साधन भी मौजूद रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके नवें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के नवें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। मकर राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके आठवें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के आठवें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौं सह बुधाय नमः। कुंभ राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके सातवें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के सातवें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। लिहाजा इन सब चीजों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके छठे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपका व्यापार सामान्य रूप से चलता रहेगा। इस दौरान घर के बुजुर्गों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आंख संबंधी कोई समस्या है तो लापरवाही मत बरतिए। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए घर की महिला अपने दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहने। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके पास जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपके मन में किसी काम को लेकर नए विचार आएंगे जिसे आप पूरा करने के लिए योजना भी बना सकते हैं। बी, आज आपका मन किसी की याद में गुम होगा जो कभी आपका बहुत ही करीबी होगा। सी, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, आप पूरा दिन अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। डी, जिन मित्रों से किसी छोटी बात को लेकर अनबन चल रही थी आज वो खत्म हो जाएगी। ई, आज आपकी बात से कोई बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, आपकी वाणी में मधुरता बनी रहेगी। एफ, आज आप किसी बुक को पढ़ने के लिए ज्यादा समय निकालेंगे, हालांकि आपका दिन व्यस्तता से गुजरने वाला है। जी, आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एच, आज आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसे करने में आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे। आई, आज आपको किसी से लेन देन के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए, इससे आपको आसानी होगी। जे, व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे, साथ ही आपको अचानक धन लाभ होगा। के, किसी इम्पोर्टेंट काम को करने से पहले बड़ों की सलाह लेकर काम शुरू करेंगे तो काम में सफलता अवश्य मिलेगी। एल, आज पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, घर में खुशियों का आगमन होगा। एम, आज प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए भागदौड़ के उपरांत काम बन जाएगा। एन, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, जो भी जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी।
ओ आपको किसी की मदद करने का मौका मिलेगा जहां आप सामर्थ्य के साथ काम करेंगे। पी किसी काम को शुरू करने के लिए आज आपको परिवार के सपोर्ट की जरूरत होगी जो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्यू आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, आपका उत्साह बना रहेगा। आर आज आप माता पिता को कुछ सामान गिफ्ट करेंगे, उनको बहुत ही खुशी होगी। एस आज की शाम बहुत ही अच्छी रहने वाली है क्योंकि आज आपसे मिलने कोई बहुत ही खास व्यक्ति आ रहा है। टी आज आप अपने कामकाज में थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं लेकिन शाम तक काम बेहतर तरीके से पूरा भी हो जाएगा। यू आज किसी काम को शुरू करने के लिए बड़े बुजुर्ग से सलाह मशवरा लेना लाभदायक हो सकता है। वी आज आपको रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। डब्ल्यू आज किसी काम में मित्र की सहायता मिलेगी, काम पूरा होगा, दोस्ती और मजबूत होगी। एक्स आज करियर में कुछ बदलाव होने वाला है, जल्द ही आपको तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। वाई आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां आप जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। जेड आज आप फालतू के खर्चों को कम करने के बारे में सोचेंगे और कामयाब भी होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में। यहाँ स्थित है माता महालक्ष्मी का एक अति प्राचीन मंदिर। रतलाम के माणिक इलाके में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी माँ लक्ष्मी से श्रद्धा से मांगो वो पूरा अवश्य होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में गहने चढ़ाने की परंपरा है। मंदिर में गहनों को चढ़ाने की परंपरा दशकों पुरानी है। पहले बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के राजा राज्य की समृद्धि के लिए मंदिर में धन आदि चढ़ाते थे और अब भक्त भी यहाँ जेवर पैसे आदि माता के चरणों में चढ़ाने लगे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा के बारे में। हथेली में सूर्य रेखा भाग्य रेखा के समानांतर होती है। इस रेखा को रवि रेखा, तेजस्वी रेखा या प्रतिभा रेखा भी कहा जाता है। सूर्य रेखा के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश और ऐश्वर्य ये सब एक खुली किताब होते हैं। ये रेखा व्यक्ति की कलात्मक प्रतिभा तथा उसकी रुचि के बारे में बताती है। कहते हैं सूर्य रेखा के अभाव में हाथ में पड़ी शुभ भाग्य रेखा का भी कोई खास मूल्य नहीं होता, लेकिन अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा थोड़ी अविकसित हो और सूर्य रेखा ठीक ठाक भी हो तो वो व्यक्ति के लिए शुभ संकेत देने वाली होती है। कुल मिलाकर सूर्य रेखा मनुष्य के भाग्य को बढ़ाने में मददगार होती है, यश दिलाने में मददगार होती है। हथेली में सूर्य रेखा कहीं से भी शुरू हो सकती है लेकिन समाप्त हमेशा सूर्य पर्वत पर ही होती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सूर्य रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 7:42 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कहीं जाने से पहले मीठा खाकर जाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।